एवरीवन वेलकम टू रारा। आज मैं एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ। एक्चुअली मैं डेमो देने वाली हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारे लोग इसे डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते होंगे, आई नो दैट। ये एक फेस क्रीम है, सॉफ्ट क्रीम, निविया सॉफ्ट क्रीम, और ये लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट है। इसमें दो साइज आते हैं, एक मैंने स्मॉल साइज मंगाया है मेरे लिए, ये इतना भी स्मॉल नहीं है, और एक आता है बड़ा साइज। और मैंने तो इसे अमेजोन से लिया था, लेकिन ये मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे अच्छे जो सुपर मार्केट स्टोर होते हैं वहां पर इसके जो है बहुत सही सा कलेक्शन रखा हुआ है। और तीन क्रीम लॉन्च हुई थी जिसमें से मैंने एक का रिव्यू कर दिया है, और अब ये है सेकेंड नंबर। ये है निविया सॉफ्ट है फन विद ट्रॉपिकल फ्रूट। तो ये येलो कलर की पैकिंग में है, आप देख लीजिए, बहुत सुंदर इसकी पैकिंग है। यू कैन सी इट्स वेरी ब्यूटिफुल, एंड जी हाँ आप देख पा रहे होंगे, सॉरी जी। सो ये जो सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर है, इसे मैं फेस पर कैसे इस्तेमाल करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद इसको मैं फेस पर मसाज करती हूँ, स्पेशली वीकली, वीक में एक या दो बार इससे ज़रूर से फेस मसाज करती हूँ मैं। और इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें एक्वा, ग्लिसरीन, पैराफिनम, लिक्विडम, एंड देयर इज, अगर आप पैराबेन की बात करेंगे तो देयर इज नो पैराबेन, ओके। तो इसमें पैराबेन नहीं है, बट और बहुत सारी इंग्रेडिएंट हैं, लाइक अल्कोहल डिनेट है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर, इसमें आई थिंक शायद दिख रहा हो, ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। और लेकिन बात करें इस क्रीम की, तो इसका खुशबू, तो इसकी खुशबू तो ऑसम है। एंड इसका जो प्राइस है वो है 85 रुपीज़ इस पैक का, मिनी पैक का। और इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 50 ml, एंड 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है दोस्तों। 2 साल तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर खरीद लें 2 साल बाद ये खराब हो जाएगी। तो चलिए अंदर की पैकिंग देख लेते हैं। ये है ओरिजिनल निविया, आप देख रहे हैं निविया 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 प्रिंट है। और अब मैं इसमें से साइड से जो ये ओपन है, यहां से क्रीम निकालने वाली हूं। ये देखिए यहां से, ठीक है, और व्हाइट कलर की ही है। इस तरीके से मैं ले रही हूं अपने फेस पर इस क्रीम को, और इससे मैं करने वाली हूं मसाज, क्योंकि फेस मसाज जो है, आपकी स्किन कैसी भी हो, कॉम्बिनेशन ड्राई ऑयली, अच्छी जो सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर होती है उनसे फेस पर मसाज करते रहना चाहिए। उससे आपकी स्किन का टेक्सचर जो है वो अच्छा बना रहता है, सॉफ्ट और सपल। और आपको ना बहुत ज़्यादा अगर पार्लर जाना पड़ता है और आपकी स्किन डैमेज हो रही है, तो आप घर पे अगर अच्छे मॉइस्चराइजर से वीकली मसाज कर रहे हो, आपको कोई पार्लर वार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं जाती, ये सच है दोस्तों। आप जितनी अच्छी केयर अपनी घर पर कर सकते हैं, आप सैलून में नहीं कर सकते। आप सिर्फ 2 घंटे में ही अपने आप को यू नो पैम्पर कर सकते हो, लेकिन आप केयर नहीं कर सकते, और हर रोज कोई इतना समय नहीं दे सकता सैलून में जाकर के। और जरूरी नहीं है कि वहां पर आपके लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल ही हो। अब अपने स्किन के अकॉर्डिंग अच्छे प्रोडक्ट चुनिए और उन्हें अपने घर पर इस्तेमाल कीजिए। आपको क्वांटिटी तो ज्यादा मिलेगी ही, साथ ही आपको क्वालिटी भी मिलेगी और आपका सेटिस्फेक्शन भी होगा, एंड आप इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो लाइट मॉइस्चराइजर्स को स्पेशली इसी तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। और इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मेकअप से पहले मेकअप मॉइस्चराइजर के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हैं लिटिल बिट, अगर आपको पोर्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि क्रीम बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड दूसरी बात, ये आपकी स्किन से जो पैचीनेस ड्राइनेस है उसको बिल्कुल निकाल देगी। और इसको आप गीली टॉवल से पोंछ लीजिए 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद। अगर आपके पास समय है तो आप 5 मिनट मसाज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और स्किन ऐसे मिलेगी एकदम बेबी सॉफ्ट हो जाती है। साथ ही आप अपने हैंड्स पे मसाज कर सकते हो बाकी की क्रीम को। और स्किन को मॉइस्चराइज करने से आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम है स्किन की,
वो सॉल्व हो सकती है धीरे धीरे, क्योंकि डैमेज अगर होती है स्किन ना, वो ड्राइनेस और रफनेस से ही होती है। तो आपको खाना तो देना पड़ेगा, वो भले ही आप खुद हो या आपकी स्किन हो, खाना तो चाहिए ही चाहिए। आप चाहें तो इसे सिंपली नहाने के बाद एज अ मॉइस्चराइजर लगा करके छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें कोई सनस्क्रीन नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सनस्क्रीन लगाएं। और स्पेशली महिलाएं जो किचन में काम करती हैं, उनको ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं किचन में काम करती हूँ, मैं अपने घर का खाना खुद बनाती हूँ, तो मैं यू नो सनस्क्रीन नहीं लगाती थी एक समय पर, तो मेरी स्किन के साथ जो प्रॉब्लम हुई थी वो मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगी, और उन प्रॉब्लम से मैंने कैसे सोल्यूशन निकाला उनका, और मेरा कितना खर्चा हुआ, एंड मैं अभी क्या करती हूँ, ये सारी बातें बताऊंगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगी, किचन में जाने से पहले आप कोई काम करो मत करो, फेस धुलने के बाद एक सनस्क्रीन की लेयर जरूर लगाएं, उससे आपके जो चेहरा है उसके जो पोर्स हैं वो खराब नहीं होंगे, ऑयली नहीं होगी स्किन, एंड आपकी स्किन पर ब्लेमिश नहीं आएंगे, झुर्रियां झाइयां बहुत जल्दी नहीं आएंगी, क्योंकि एग्जॉस्ट हो या ना हो या फिर बिल्ट इन हॉब हो या ना हो, क्योंकि मोस्टली यू नो हर घर में बिल्ट इन नहीं हो सकता, तो इस वजह से मैं जरूर से बोलूंगी कि आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें। तो अभी मैं इसे गीले टॉवल से आपको पोंछ कर दिखाती हूँ। तो मैंने ले ली है टॉवल एंड मैं इसे क्लीन कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्किन जो है वो आपकी मॉइस्चराइज निकलेगी, और इसके जस्ट बाद आप मेकअप कर सकते हैं कहीं अगर आपको जाना है, सो एक से दो मिनट आप अच्छे से मसाज करके। तो दोस्तों मैंने फेस को अच्छे से पोंछ लिया है, और आप देख रहे हैं पहले के मुकाबले अभी मेरी स्किन ज़्यादा हेल्दी लग रही है मुझे भी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी लगेगी, क्योंकि आपके सामने मैंने डेमो दिया है। और आप अगर इस तरीके से लाइट मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो पूरे दिन मॉइस्चराइजर लगाए रहते हो ना, उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं इससे स्किन को, और आपको बहुत यू नो वो नहीं होगी प्रॉब्लम, जो जल्दी से एजिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, या फेस पर जो फाइन लाइन जल्दी आती हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगी। और आप एक बार ट्राई करके देखिए, कोई भी लाइट मॉइस्चराइजर हो, कोई भी सॉफ्ट क्रीम हो, अगर आप उसको इस तरीके से लगा रहे हो, तो आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लोई एंड डिफरेंट हो जाएगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आप अपनी स्किन के लिए विशेष तौर पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हेल्दी लगेगी स्किन। और रही बात मेरी स्किन में जो एक दो ये स्पॉट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तो नेचुरल है, ये तो होना ही होता है, क्योंकि एवरी मंथ कभी ना कभी एक दो दाना या स्पॉट ऐसे हो जाता है, तो वो तो चलता है, उतना तो फ्लॉन्ट करना चाहिए, और ये तो लिटिल बिट मेकअप से कवर हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है, डेमो पसंद आया है, तो आप इस क्रीम को ज़रूर से इस्तेमाल करें, एंड मुझे बताइएगा आपको निविया की ये येलो वाली क्रीम जो है वो कैसी लगी, और अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आपने किस तरीके से इसे इस्तेमाल किया है। और हाँ, आप इसे बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो गुड हैंड क्रीम, गुड बॉडी क्रीम, बॉडी बटर, किसी भी तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया मॉइस्चराइजर है ये। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई ऑल चैनल्स, थैंक यू सो मच, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बाय बाय दोस्तों।